सरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है प्राइम के शतक का। पीयूष गोयल के घर जाकर मोदी ने की गणपति पूजा। पीएम पीले कुर्ते शॉल में आए नजर मनु सिंघवी। स्वप्न दास भी गुप्त भी मौजूद रहे। दुमका हत्याकांड में रिमांड पर लिए गए आरोपी शाहरुख और नईम। पिता और दादा ने कहा हत्यारे को फांसी की सजा हो। सुशील कुमार मोदी ने कार्तिक कुमार को लेकर लालू प्रसाद यादव पर निशाना। कहा भी कई विकेट गिरेंगे। कांग्रेस को झटका। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनयूसीआई के 36 छात्र नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। शिवा पात्रा का बेटा बोला मां ने मेट को दिव्यांग बनाया। मैंने विरोध किया तो मुझे मानसिक विक्षिप्त बताकर पागलखाने ले गई। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। कैबिनेट मीटिंग में होगा फैसला। सोरेन लॉ सकते हैं विश्वास प्रस्ताव। पंजाब शराब पॉलिसी पर सियासी बवाल बढ़ा। जांच के लिए गवर्नर से मिली कांग्रेस। अकाली दल भी बता रही 500 करोड़ का घोटाला। आप बीजेपी प्रवक्ताओं की सड़क पर जुबानी जंग। गौरव ने पूछा 500 नए स्कूल कहां हैं। सौरभ बोले दो ही देखकर भागे, अभी 498 बाकी हैं। ममता बनर्जी का बड़ा बड़ा बयान। बोली पता होता राजनीति इतनी गंदी होगी तो इसमें कभी नहीं आती। कम नंबर आए तो शिक्षक को बांधकर पीटा। झारखंड में प्रिंसिपल और 11 छात्रों पर केस दर्ज। फेल होने से नाराज थे 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स। विवादों में घिरे कार्तिक ने मंत्री बनने के 15वें दिन दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने बदला था विभाग। जम्मू कश्मीर के सोपोर में बड़े हमले की साजिश को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। दो आतंकियों को मार गिराया। सोनाली के फार्म हाउस में 5 घंटे सर्च। बेटी की मौजूदगी में खुलवाए सोनाली का कमरा और चैट के स्क्रीनशॉट लिए गए। जजों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों से कैसे निपटे। सुप्रीम कोर्ट ने महासचिव से मांगा जवाब। लॉ इंटरनल ने न्यायाधीश पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। असम के मदरसों पर चला सरकारी बुलडोजर। 27 दिन में 30 मदरसों पर कार्रवाई। सभी पर आतंकियों को ट्रेनिंग देने का आरोप। आगरा यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षा नहीं रुकी। नकल आधे घंटे केंद्रों पर पूरे टाइम तो कुछ आधे पर घंटों के लिए बंद हो रहे कैमरे। जल्द खत्म होगा किसानों और शिवनाडार का विवाद। ग्रेटर नोएडा में प्लॉट के रास्ते के लिए किसान। मुरादाबाद में प्रोफेसर की पत्नी से चेन लूटी। आर्यन के पास बाइक। गैंग ने छपटा मारकर तोड़ी चेन। कई घटनाओं की तो एफआईआर ही नहीं लिखी। सीतापुर में कैबिनेट मंत्री सहित 3 मंत्री करेंगे समीक्षा बैठक। विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर भेजेंगे रिपोर्ट।
सोनभद्र में ओबरा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 की मौत, एक घटना में जीजा साले, दूसरी में रसोइयों की हुई मौत। बदायूं के 2 युवक शाहजहांपुर पुलिस ने किए गिरफ्तार, खंडहर से बरामद की चोरी 14 बाइकें, बाइकों को काटकर पूजे दूसरी बाइक में लगाते। कौशाम्बी में एक दर्जन लोग संक्रामक रोग की चपेट में, नगर पालिका भरवारी में गंदगी से फैली बीमारी, अधिकारी बोले हमें जानकारी ही नहीं। सहारनपुर के टिक्का टपरी गांव में बिजली अधिकारियों को बनाया बंधक, 50 लाख रुपए के बकाए पर लाइट काटने गए थे, 2 घंटे बाद छोड़ा। एसीएस अमित मोहन प्रसाद का तबादला, ब्रिजेश पाठक से की थी तनातनी, ट्रांसफर को लेकर किए गए थे जवाब तलब। पांच साल के हाथिनी तुंगा ने तोड़ा दम, लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क में डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में चल रहा था इलाज, 3 महीने से थी बीमार। सहारनपुर में दोस्तों के साथ नहाने गए ये युवक, यमुना में डूबा, देर रात तक युवक की तलाश करती रही गाजियाबाद के एनडीआरएफ। बहराइच में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की हत्या, पेट और गले पर किए गए वार, जेल में बंद है दुष्कर्मी, सुलह करने को बना रहे थे दबाव। मुजफ्फरनगर में टोना टोटके का आरोप लगा पथराव, दहशत में परिवार पथराव का वीडियो हुआ वायरल। चंदौली में एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर अभियान शुरू, आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभार्थियों को करेंगे चिन्हित। बदायूं में भाकियों स्वराज का आंदोलन, दरोगा सिपाहियों पर मुकदमा, देर रात कादर चौक थाने के सामने लगाया गया जाम। मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जागरूकता गोष्ठी का आयोजन, सर्वाइकल कैंसर के बारे में दी गई जानकारी, लोगों को किया गया जागरूक। गोंडा में सराफा व्यापारी से लूट, 2 बाइक सवार बदमाशों ने असलहे की नोक पर 5 लाख लूटे, जांच के लिए टीम गठित। रायबरेली में घर में घुसा ट्रक, युवक की मौत, बिजली का खंभा तोड़ने घर में घुस गया, दरवाजा पर सो रहा था युवक। हमीरपुर में बाढ़ के बाद हर जगह तबाही का मंजर, सैकड़ों घर जमीन, 2 साल भर का राशन भी पानी में डूबा। सुल्तानपुर प्रयागराज के प्राइमरी स्कूल में बंधे पशु, आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर कसा दंज। वाराणसी में डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी, भदोही से आए बदमाशों ने मां बेटी की हथौड़े और रॉड से की थी हत्या। आरोपी को लेने कर छोड़ने में 5 पर गिरी गाज, एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज और मुख्य आरक्षी को किया निलंबित। उन्नाव के उभाव में चोरों ने 4 लाख के जेवरात किए पार, खिड़की का ग्रिल काटकर घर में घुसे, पुलिस कर रही है तलाश। रामपुर पीआरवी पर तैनात हैंड कॉन्स्टेबल निलंबित, गलत हरकतों के चलते पीटा था जनता ने, हुआ था वीडियो वायरल। भदोही में पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, चोरी की शराब बरामद, सीसीटीवी का मॉनिटर भी मिला।
कांस्टेबल लाइन हाजिर प्रधान को किया था गिरफ्तार, पेड़ काटने का है पूरा मामला। बागपत में गोली लगने से एक किसान की मौत, दो लोगों पर दबंगों ने की थी फायरिंग, ट्यूबवेल पर बैठे थे दोनों। पूर्व विधायक की हत्या के लिए 25 लाख की सुपारी, अलीगढ़ में भाजपा चेयरमैन समेत 6 अरेस्ट, बुलंदशहर से बुलाए गए थे शूटर। बाराबंकी में चौकीदार दंपति पर डीजल डालकर जिंदा जलाया, पति ने इलाज के दौरान दम तोड़ा, पत्नी का गंभीर हालत में चल रहा इलाज। लखनऊ में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर एफआईआर, हजरतगंज में करोड़ों की जमीन पर बिल्डर को करा दिया कब्जा, पीड़ित को दे रहे धमकी। उत्तराखंड में पिरूल से बिजली उत्पादन करने वाली परियोजनाओं को मिलेगा प्रोत्साहन, आज से होगी मॉनिटरिंग। उत्तराखंड भर्तियों में धांधली, दरोगा भर्ती घपले में विजिलेंस जांच की मंजूरी, मुख्यमंत्री धामी ने दिया आदेश। पेपर लीक मामले में 3 साल से बिना अनुबंध आयोग की परीक्षाएं करा रही थी आरएमएस कंपनी, कटघरे में अधिकारी। उत्तराखंड के सीएम धामी ने नए जिले बनाने के दिए संकेत, कहा जनप्रतिनिधियों से लेंगे सुझाव। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में 26 सितंबर को होंगे पंचायत चुनाव, अधिसूचना जारी करेगा निर्वाचन आयोग। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने गोवा से पकड़ा एक और आरोपी, अब तक 30 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। यूसीसी लागू करने के लिए उत्साहित प्रदेश सरकार, सीएम धामी ने कहा अब बस 2 माह का इंतजार। पेपर लीक मामले में आरोपी को मिले धन के ठिकाने लगाने वाले रिश्तेदारों से होगी पूछताछ, एक डायरेक्टर भी रडार पर। ऋषिकेश में फर्श पर बेटी और बच्चों का खून देखकर रो पड़ी मुनैया, बोली हत्यारों को कड़ी सजा दिलाई जाए। उत्तराखंड के कुमाऊं में 48 पुलों की भार क्षमता बढ़ाने की तैयारी, शासन को भेजी गई पुलों की रिपोर्ट। उत्तराखंड को लाल आंख दिखा रहा है कोरोना, प्रदेश में आए कोरोना के 61 नए मामले, 2 मरीजों की हुई मौत। उत्तराखंड के काशीपुर में प्रेमी ने दिनदहाड़े मां और बेटी को मौत के घाट उतारा, खून से लथपथ पहुंचकर सरेंडर करने। उत्तराखंड में जनता दरबार में पहुंचे पूरन चंद्र सुनाल, कहा जमीन अस्पताल का दूंगा और शरीर मेडिकल कॉलेज में दान करूंगा। उत्तराखंड में भारी बारिश का येलो अलर्ट, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे अटाली के पास बंद। उत्तराखंड में बढ़ते जा रहे महिला अपराध के मामले, 534 से दरिंदगी तो 402 का हुआ अपहरण। पुर्तगाल के हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा, भारत की गर्भवती पर्यटक की मौत के बाद फैसला, पहले भी काबिलियत पर उठे सवाल।
चीन के खिलाफ हथियारों का जखीरा जुटा रहा है ताइवान। यूक्रेन और भारत से लीक, सीख अमेरिका से खरीदेगा दो ब्रह्मास्त्र। सऊदी पुलिस ने की कुर्ता घेरे पार महिला के बाल पकड़कर घसीटा, लातों से पिटाई का वीडियो देख गुस्से में है दुनिया। एक बार फिर स्वेज नहर में फंसा जहाज, अधिकारियों के हाथ पैर फूले, रातों रात भेजी गई रेस्क्यू टीम। भारत से मदद मांगेगा पाकिस्तान, सब्जियां और अनाज इंपोर्ट कर सकते हैं शहबाज सरकार। इसराइल की सीरिया पर एयर स्ट्राइक, दो एयरपोर्ट को निशाना बनाया, हथियार लेकर पहुंचे ईरान के विमान पर चार मिसाइलें दागी। वाशिंगटन में स्कूल के बाहर फायरिंग, 15 साल के लड़के ने अपने दो क्लासमेट्स को मारी गोली। ड्रैगन के यूएस में जासूसी करने की साजिश नाकाम, व्हाइट हाउस पर नजर रखने, अमेरिका में पगोड़ा बनाना चाहता था चीन। अमेरिका ने 400 चीनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान रोकी, यूएस आर्मी ने कहा इंजन में खराबी की वजह से आग लगने का खतरा, भारत ने रिपोर्ट मांगी। सबसे शक्तिशाली तूफान हिनामनोर चीन जापान को ज्यादा खतरा, 313 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए तक सस्ता, पीएम किसान योजना में केवाईसी न होने पर नहीं मिलेगा पैसा। सोने चांदी में गिरावट जारी, 5000 के नीचे आई चांदी, सोना भी गिरकर 50000 के करीब आया। तेज हुई अर्थव्यवस्था की रफ्तार, जून तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 13.5% रही, पिछली तिमाही में ये 4.1% थी। सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में रिलायंस के एंट्री, अंबानी ने 70 के दशक की कंपनी कैंपा कोला खरीदी। एमजी मोटर के एडवांस क्लास्टर एसयूवी लॉन्च, बड़ा क्रोम फिनिश क्रिल करेगा इंटीरियर में 75 से ज्यादा नए कनेक्टेड कार फीचर्स। अगस्त में 14,36,00,00,000 रुपए जीएसटी कलेक्शन, लगातार छठे महीने में 1.4 लाख करोड़ के ऊपर रहा राजस्व। स्पाइसजेट को दूसरी तिमाही में हुआ 789 करोड़ रुपए का घाटा, रुपए में गिरावट का असर। अप्रैल जून के बीच राजकोषीय घाटा 20% के वार्षिक लक्ष्य पर पहुंचा, सीजीए के आंकड़ों में खुलासा। क्रिप्टो एक्सचेंज ने 67 लाख डॉलर रिफंड के बजाय कस्टमर को दिए 72 लाख डॉलर। मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रैमर ने दी क्रिप्टो करेंसी से बड़ा नुकसान होने की चेतावनी, कहा रुपए क्रिप्टो के फंडामेंटल्स पर सवाल उठाने चाहिए। सूर्य कुमार यादव से बोले कोहली कि आपका इरादा क्या, 6 गेंद पर 6 छक्के उड़ाने का था, अभी छोड़िए हम यूवी पाक के रिकॉर्ड पर नहीं जाते। कुमार यादव की सुनामी, 6 गेंद पर ठोके 26 रन, ऐसा कर T20I में बना दिया तूफानी रिकॉर्ड, सूर्या ने 26 गेंद पर 67 रन की नाबाद पारी खेली।
इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 साल बाद गेंदबाजी करते दिखे विराट कोहली, देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। टी20 वर्ल्ड कप और भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान, इंडिया के खिलाफ टी20 सीरीज नहीं खेलेंगे वार्नर। हांगकांग के खिलाड़ी ने मैच के बाद दीपक चाहर स्टाइल में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, घुटनों पर छूकर किया प्रपोज। एशिया कप के सुपर चार में भारत हांगकांग को 40 रन से हराए, कोहली फॉर्म में लौटे, सूर्या ने 26 गेंद में बनाए 67 रन। सूर्या ने दिलाई डिविलियर्स और धोनी की याद, 20वें ओवर में जड़े 4 छक्के, 360 डिग्री और हेलीकॉप्टर शॉट लगाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैनेजर ने रूल बुक की जारी, सोशल मीडिया से दूर रहे खिलाड़ी, रात में मोबाइल बंद कर दे। श्रीकांत जापान ओपन के दूसरे दौर में साइना लक्ष्य हारे, भारत स्टार ने सुपर 750 टूर्नामेंट में ली जिया को सीधे गेम से हराया। बास की नजर और जड्डू के थ्रो पर कभी शक नहीं करते, सोशल मीडिया पर छाए रविंद्र जडेजा का थ्रो। कार्तिक आर्यन का रिलेशनशिप स्टेटस पर खुलासा, सारा अली खान संग ब्रेकअप के बाद बोले, मैं पिछले 1 साल से सिंगल हूं। सलमान खान ने की बप्पा की आरती, बहन अर्पिता खान के घर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन में हुए शामिल। अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट आई निगेटिव, 9 दिनों के आइसोलेशन के बाद काम पर लौटे बिग बी। जामताड़ा सीजन 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, शुरू होगा पॉपुलर क्राइम थ्रिलर सीरीज का दूसरा चैप्टर, चंबल के जुर्म पर आधारित है कहानी। दिशा पाटनी के साथ ब्रेकअप के बाद टाइगर का खुलासा, बोले अब मैं सिंगल हूं, फिलहाल किसी को डेट करने के लिए देख रहा हूं। करण ने शेयर किया ब्रह्मास्त्र से अमिताभ बच्चन का लुक, बिग बी फिल्म में रणबीर कपूर के प्रोफेसर के रोल में आएंगे नजर। अनुपमा के स्टाइल में नजर आए शाहिद, फैन ने एडिट किया आइकॉनिक सीन, एक्टर ने स्टोरी पर शेयर किया। विक्की कौशल ने किया कैटरीना के लिए प्यार का इजहार, बोले आप मेरी लाइफ में ढेर सारी खुशियां लेकर आई हो। अवतार में भगवान गणेश, गणेश चतुर्थी पर साउथ और बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर्ड मूर्तियां, कहीं पुष्पा तो कहीं बाहुबली बनकर आए नजर। दूसरी बार मां बनने जा रही देबीना बनर्जी, एक्ट्रेस ने शेयर किया वर्कआउट वीडियो, यूजर्स ने बताया सुपर मॉम। फिलहाल के लिए शतक में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस